गुड मॉर्निंग क्लास। बिजनेस स्टडीज़ में हमने अभी तक डिस्कस की थी, हम अभिप्रेरणा की थ्योरियों के बारे में बात कर रहे थे, विचारधारा के बारे में बात कर रहे थे, और उसमें जो है हमने मास्लो की थ्योरी जो है वो पहले कर ली थी कि मास्लो की थ्योरी आपकी क्या कहती है। ठीक है, अब आज जो है हम करेंगे हज़रबर्ग की थ्योरी कि हज़रबर्ग की थ्योरी जो है आपकी वो क्या कह रही है। देखिए, हज़रबर्ग की थ्योरी क्या कहती है। द्विघटक विचारधारा के प्रतिपादक मनोवैज्ञानिक फ्रेडरिक हज़रबर्ग माने जाते हैं। उन्होंने एवं उनके साथियों ने साइकोलॉजिकल सर्विस पिट्सबर्ग में करीब 200 इंजीनियर्स पर शोध किया और उनसे कार्य के बारे में विचार जानकर इस विचारधारा का प्रतिपादन किया। हज़रबर्ग के मतानुसार जब व्यक्ति कार्यस्थल पर अपने कार्य से असंतुष्टि प्राप्त करता है तो उस असंतुष्टि का कारण वह वातावरण है जहाँ वह काम करता है। वो क्या कह रहे थे कि अगर कोई पर्सन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है ना, तो वो उस पर्सन की कमी नहीं है, वो कमी किसकी है, एनवायरमेंट की कमी है। ओके, इस वातावरण को जो घटक प्रभावित करते हैं, हज़रबर्ग ने उन्हें स्वास्थ्य या आरोग्य घटक के नाम से संबोधित किया। हज़रबर्ग ने क्या कहा कि वो घटक कौन से हैं, या तो वो स्वास्थ्य घटक हैं या फिर वो आरोग्य घटक हैं। ये घटक व्यक्ति को विपरीत नहीं करते हैं किंतु उसे असंतुष्ट होने से रोकते हैं। ये क्या है, पर्सन को मोटिवेट नहीं कर रहे हैं कि तुम मोटिवेट हो जाओ, तुम मेरे लिए काम करो, बल्कि ये क्या करेंगे, उन व्यक्तियों को रोकेंगे। ठीक है, उन व्यक्तियों को असंतुष्ट होने से रोकेंगे, अर्थात ये कर्मचारियों की संतुष्टि को बनाए रखने हेतु आवश्यक होते हैं। अभिप्रेरित घटक की आवश्यकता आरोग्य घटक के पश्चात होती है। अभिप्रेरित घटक कर्मचारियों को संतुष्टि व अभिप्रेरणा प्रदान करने का कार्य करते हैं। इन घटकों में 6 घटकों की पहचान की गई है। पहला देखिए क्या है, स्वास्थ्य या आरोग्य घटक, हाइजीन फैक्टर जिन्हें हम कह रहे हैं। इसमें क्या क्या है, संस्था की नीतियाँ कैसी है आपकी, संस्था का प्रशासन कैसा है, कार्य करने की कंडीशंस कैसे, मतलब वातावरण कैसा है आसपास का, पर्यवेक्षण सुपरविजन किस तरीके से किया जा रहा है, पारस्परिक व्यक्तिगत संबंध कैसे हैं आपस में, मैनेजमेंट के और कर्मचारियों के संबंध कैसे हैं, वेतन या मजदूरी कितनी, सैलरी मतलब कितनी मिलती है आपको, किस हिसाब से मिलती है, फ्रिंज बेनिफिट आपको मिल, मतलब सैलरी के अलावा जो अदर बेनिफिट्स हैं वो आपको मिलते हैं या नहीं मिलते, आपकी जॉब सिक्योरिटी है या नहीं है, ये भी यहाँ चेक किया जाता है। ओके, इसके बाद देखिए अभिप्रेरक घटक। अभिप्रेरक घटक जो इसको मोटिवेट करते हैं, ये घटक कार्य से संबंधित घटक होते हैं, इन्हें संतुष्टि प्रदान करने वाले घटक भी कहा जाता है। हज़रबर्ग और उनके साथियों द्वारा प्राप्त निष्कर्षों के अनुसार अभिप्रेरक घटक में निम्न बिंदुओं को शामिल किया जा सकता है, उपलब्धियाँ, मान्यता एवं सम्मान, विकास, उत्तरदायित्व, व्यक्तिगत उन्नति, कार्य की प्रकृति। ठीक है, ये क्या है, आपके अभिप्रेरक घटक हैं जो आपके अभिप्रेरणा में आपकी मदद करते हैं। ओके, इसके बाद देखिए और क्या है आपका, आगे देखिए हमारा मैकग्रेवर की XMY विचारधारा। देखिए मैकग्रेगर ने जो एक्स और वाई विचारधारा दी है उसका क्या मतलब है। अभिप्रेरणा की XMY विचारधारा का प्रतिपादन लेखक एवं मनोवैज्ञानिक डगलस मैगर ने अपनी पुस्तक ह्यूमन साइड ऑफ एंटरप्राइजेस में किया था। मैकग्रेगर ने इस विचारधारा में मानव अभिवृत्तियों एवं व्यवहार के संबंध में परस्पर दो विरोधी विचारधाराएं प्रस्तुत की है। उन्होंने दो अलग अलग विचारधाराएं बताई है हमें। क्या बताई है उन्होंने, देखिए उन्होंने कार्यशील व्यक्तियों के कार्य के प्रति उनकी धारणा के आधार पर एक्स और वाई समूह के रूप में उनका वर्गीकरण किया। इनमें ऋणात्मक मान्यताएं वाली विचारधारा को उन्होंने एक्स नाम दिया और सकारात्मक वाली को उन्होंने वाई नाम दिया। ठीक है, देखिए क्या क्या है, पहले एक्स विचारधारा हम देखते हैं। एक्स विचारधारा कर्मचारियों के प्रति नकारात्मक एवं निराशाजनक दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है। ये क्या बोलते हैं कि जो आपके कर्मचारी हैं ना, वो आपके लिए लायबल नहीं है, आपके लिए लॉयल नहीं है, मतलब उनके अंदर जो भी नेगेटिविटी है वो आपको बताती है ये। यह विचारा परंपरागत अवधारणा पर आधारित होने के कारण मनुष्य को नियंत्रित रखने पर बल देती है। ये क्या कहते हैं कि आपको सिर्फ अपने कर्मचारियों को नियंत्रण में रखना है। इस विचारधारा की प्रमुख मान्यताएं कर्मचारी समूह के संबंध में निम्न प्रकार से हैं। एक औसत कर्मचारी स्वभावत आलसी होता है एवं कम से कम काम करना चाहता है, अर्थात ये कार्य को बहुत समझता है तथा उससे बचना चाहता है। पहला ये क्या कह रहे थे कि जो कर्मचारी है वो क्या है, अपने आलसी होते हैं स्वभाव से और वो बहुत ही कम काम करना चाहते हैं। ठीक है, और वो क्या करते हैं, काम को अपना बोझ समझते हैं, उससे बचना चाहते हैं। ये लोग उत्तरदायित्वों से दूर रहना पसंद करते हैं। ये परिवर्तनों का विरोध करते हैं और परंपरागत विधियों से ही कार्य करना पसंद करते हैं। ये सामान्यतः महत्वाकांक्षी नहीं होते हैं, इनमें सृजनशीलता का अभाव पाया जाता है।
कर्मचारी आत्मकेंद्रित या स्वार्थी होता है एवं संस्था से उनका बहुत कम लगाव होता है। इनसे कार्य करवाने के लिए दंड, भय, प्रताड़ना का सहारा लिया जाता है। ये कर्मचारी आर्थिक एवं वित्तीय लाभों के लिए कार्य करते हैं। अब आपने ये 7 पॉइंट देखे, इन सभी में आपने क्या देखा कि एक ह्यूमन बीइंग की जो भी नेगेटिव बातें हैं ना, सिर्फ वही आपको बताई गई है कि उनका आपके संस्था से कोई लेना देना नहीं होता, वो नई टेक्निक से काम करना पसंद नहीं करते, वो आलसी होते हैं, वो स्वार्थी होते हैं, ठीक है, वो स्वार्थी होते हैं, उनको काम करना पसंद नहीं है, उनसे अगर आपको काम करवाना है तो आपको नहीं या तो पनिशमेंट देनी पड़ेगी या उन्हें डराना पड़ेगा। और ये क्या है, सिर्फ और सिर्फ खुद के लिए काम करते हैं, ये दूसरे के लिए कोई भी काम करना पसंद नहीं करते, ठीक है। आगे देखिए आपकी वाई विचारधारा क्या कह रही है। वाई विचारधारा आपकी ये कह रही है, वाई विचारधारा एक्स विचारधारा के बिल्कुल विपरीत होती है। यह मानवीय संसाधनों के प्रति सकारात्मक रवैया प्रस्तुत करती है। यह कार्य वातावरण में सकारात्मक एवं उत्तरदायित्व भूमिकाओं को प्रमुख आधार मानती है। ये क्या है, जैसे जो आपकी एक्स थ्योरी थी वो क्या कह रही थी कि उनके अंदर सारी गलत बातें हैं, वो सब गलत काम करेंगे, पर वाई थ्योरी क्या कह रही है आपकी, नहीं, उनके अंदर पॉजिटिविटी भी होती है। ये सिर्फ और सिर्फ आपके पॉजिटिव चीज़ों को बताती है। जैसे देखिए, कर्मचारी कार्य को स्वाभाविक एवं सहज क्रिया मानते हैं। ये नवीन विधियों एवं परिवर्तनों का स्वागत करते हैं और उनको अपनाना चाहते हैं। ये महत्वाकांक्षी होते हैं तथा उत्तरदायित्व को स्वीकार करते हैं। ये कर्मचारी कल्पनाशील एवं सृजनशील होते हैं। ये स्वप्रेरित एवं स्वनियंत्रित होते हैं। ये कर्मचारी अपनी क्षमता एवं योग्यता का अधिकतम सदुपयोग करना चाहते हैं। ये केवल आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु, आत्मविश्वास हेतु काम करते हैं। मतलब इस थ्योरी में आपको क्या बताया गया है, इस थ्योरी में आपको सिर्फ और सिर्फ ये बताया गया है कि वो किस तरीके से अच्छा काम करते हैं, किस तरीके से वो अपना 101% काम आपको देते हैं। तो देखिए, जो एक्स और वाई थ्योरी थी मैक्स ग्रेगर की, इसमें इन्होंने 2 पॉइंट ऑफ व्यू प्रेजेंट किए हैं। एक तो वो जो बिल्कुल मतलब नेगेटिव है कि आप नेगेटिव तरीके उनको देखिए और फिर उनको मोटिवेट कीजिए, और वाई थ्योरी क्या कहते हैं कि आप उनके अंदर जो अच्छी बातें हैं उनको देखिए और फिर उन्हें मोटिवेट कीजिए, ठीक है। तो ये आपकी एक्स और वाई थ्योरी थी। इस बेसिस पे मोटिवेट किया जाता है, अभिप्रेरित किया जाता है आपके कर्मचारियों को। अभिप्रेरित किया कैसे जाता है इसमें, ये देखिए आप, उनको अभिप्रेरित करने के लिए अगर वो नेगेटिव तरीके वाले, अगर वो वाई थ्योरी एक्स थ्योरी वाले पर्सन हैं तो उनके वो सारी चीज़ों को ख़त्म किया जाएगा ताकि वो अच्छा काम कर सकें, और अगर वो वाई थ्योरी वाले तो उनके अंदर और इम्प्रूवमेंट की जाएगी, ठीक है। इसके बाद जो थर्ड है वो देखिए, वो है आपकी विलियम आउची की जेड थ्योरी, ठीक है। विलियम आउची की जेड विचारधारा, एक तो मास्लो की और एक विलियम की आपसे ज़्यादातर पूछी जाती है। क्यों? क्योंकि ये दो ऐसी थ्योरीज हैं जो आपके ज़्यादातर हेल्पफुल है, ज़्यादा ये यूज़ में ली जाती हैं। जैसे देखिए, अभिप्रेरणा की इस विचारधारा को प्रतिपादित करने का श्रेय अमेरिकन प्रबंध शास्त्री प्रोफेसर विलियम जी ओची को जाता है। इन्होंने अपनी थ्योरी जेड, हाउ अमेरिकन बिजनेस कैन मीट द जैपनीज चैलेंज नामक पुस्तक, जो कि सन 1981 में प्रकाशित हुई थी, में इस विचारधारा का वर्णन किया है। प्रोफेसर ओची ने अमेरिका एवं जापान की कई बड़ी बड़ी कंपनियों की प्रबंध व्यवस्था का अध्ययन करने के पश्चात यह पुस्तक लिखी एवं इस अध्ययन एवं शोध से प्राप्त निष्कर्षों को उन्होंने जेड विचारधारा नाम से प्रस्तुत किया, ठीक है। जेड विचारधारा जापानी एवं अमेरिकी प्रबंध की तुलनात्मक अध्ययन पर आधारित है। ये है क्या, आपकी जो अमेरिकी और जापान की कंपनियां हैं उनके कंपैरिजन वाले अध्ययन पर आधारित है। इसमें जापानी तथा अमेरिकी कंपनियों की अच्छाइयों को शामिल किया गया है। प्रोफेसर ओची ने मूल रूप से इस विचारधारा में जापानी प्रबंध की उन विशेषताओं को उजागर किया है जिसकी वजह से यह अमेरिकी प्रबंध से श्रेष्ठ माना जाता है। इन्होंने मतलब वो बातें बताई है जो आपकी क्या है, अमेरिका से ज़्यादा अच्छी है। जैसे देखिए, प्रोफेसर ओची के अनुसार जापानी प्रबंध का मूल आधार ट्रस्ट, विश्वास, सब्टलिटी, मर्मज्ञता तथा आत्मीयता है। इनके अनुसार ये तीनों तत्व अभिप्रेरक घटक हैं। इसमें देखिए और क्या इन्होंने बताया है, देखिए इन्होंने कौन कौन सा पॉइंट बताए हैं। पहले उन्होंने बताया है आजीवन रोजगार योजना, लाइफ टाइम एम्प्लॉयमेंट, कि अगर आप एक अपने भी अपने
जो कर्मचारी है उसे लाइफ टाइम एम्प्लॉयमेंट की सिक्योरिटी देते हैं, तो वो आपके साथ हमेशा रहकर वो अभिप्रेरित रहेगा। जैसे देखिए उन्होंने क्या बोला है, प्रोफेसर औची के मुताबिक कर्मचारियों को जीवन पर्यंत रोजगार दिया जाना चाहिए। जापानी संस्थान में एक बार चयन के पश्चात मंदी काल में भी कंपनियां किसी कर्मी की छंटनी या जबरन छुट्टी नहीं करती है। संस्थाएं घाटा उठाकर भी अपने कार्मिकों को बनाए रखती है। इससे कर्मचारी संगठन के प्रति वफादार एवं निष्ठावान बनते हैं। देखिए जब उन्हें ये पता है कि चाहे कंपनी को लॉस हो रहा हो पर हमें उससे बेनिफिट हो रहा है, हमें हमारी सैलरी मिल रही है, हमें नहीं निकाला जा रहा, तो वो आपके लिए क्या रहेंगे, हमेशा वफादार रहेंगे। दूसरा, संस्था से मूल्यांकन एवं पदोन्नति, ठीक है, ये देखिए मंद गति से मूल्यांकन एवं पदोन्नति। औची ने अपने निष्कर्षों में बताया कि जापानी प्रबंधक यह मानते हैं कि उत्पादकता किसी एक व्यक्ति की देन नहीं होकर सामूहिक प्रयासों का परिणाम होती है। उन्होंने क्या बोला कि सिर्फ एक पर्सन को नहीं बल्कि टीम को माना जाता है यहाँ, अतः किसी भी व्यक्ति को व्यक्तिगत उपलब्धि के आधार पर पदोन्नत न करके इस आधार पर पदोन्नत किया जाना चाहिए कि वह कार्य समूह को किस प्रकार अभिप्रेरित करता है। उसको इस तरीके से प्रमोशन नहीं दिया जाना चाहिए कि वो ये काम अच्छा कर रहा है, ये काम और अच्छा कर सकता था, बल्कि उसे प्रमोशन किस बेसिस पर दिया जाना चाहिए, इस बेसिस पर दिया जाना चाहिए कि वो अपने वातावरण में किस तरीके से काम कर रहा है। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि प्रोफेसर औची के अनुसार लंबवत पदोन्नति के स्थान पर समानांतर पदोन्नति की जानी चाहिए। देखिए जापानी प्रबंधक सामान्यतः किसी व्यक्ति को रोजगार से हटाते नहीं हैं एवं उनकी मान्यता है कि किसी भी व्यक्ति के गुण या अवगुण का मूल्यांकन करने के लिए 1 से 2 वर्ष की अवधि अत्यंत अल्प है, अतः ये दीर्घकाल करीब 10 वर्षों की सेवा के पश्चात अपने कर्मचारियों का प्रथम कार्य मूल्यांकन करते हैं। अब ये क्या बोल रहे हैं कि एक पर्सन के जो भी कैपेसिटी है उसके अंदर क्या कमी है, क्या उसके अंदर अच्छाई है, उसको मेजर करने के लिए ना कम से कम 1-2 साल चाहिए हमें। इसलिए ये क्या है, मूल्यांकन कब करते हैं, 10 साल अगर उन पर्सन को काम करते हुए हो जाते हैं उसके बाद करते हैं मूल्यांकन, ठीक है। इसके बाद तीसरा देखिए, जीवन वृत्ति पाथ, करियर पाथ आपका कैसा रहता है। जापान में प्रबंधकों की विशेषज्ञता पर अधिक बल नहीं दिया जाता है। यह विचारधारा मानती है कि कर्मचारियों के जीवन वृत्ति पथ का निर्धारण गैर विशिष्टीकृत आधार पर होना चाहिए। जापान में यह प्रयास रहता है कि प्रबंधक समस्त विभागों के कार्यों को समझे, इस कार्य हेतु परिवर्तन की नीति होती है। अब देखिए ये क्या कह रहे हैं, ये सिर्फ ये नहीं बोलते कि एक काम में वो बहुत काफ़ी अच्छा है तो उसे उसका करियर इसमें रहेगा, बल्कि जापान में क्या करते हैं, उसे हर एक फील्ड की नॉलेज होनी चाहिए, इसलिए उसको हर एक फील्ड की नॉलेज दी जाती है, जिसके लिए जो परिवर्तन है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बाद मानवीयता पर बल, यह विचारधारा स्पष्ट करती है कि प्रबंधकों को कर्मचारियों पर पूर्ण ध्यान देना चाहिए। उन्हें अपने कर्मचारियों का ध्यान केवल कार्यस्थल तक ही सीमित नहीं रखना चाहिए। प्रबंधकों को कर्मचारी के साथ साथ उसके परिवार, उसकी रुचियां, उसके टेस्ट, उन सभी का ध्यान रखना चाहिए और उसके साथ हमेशा मानवीयपूर्ण व्यवहार ही करना चाहिए, ठीक है। उसके साथ हमेशा कैसा व्यवहार करना चाहिए, अच्छा व्यवहार करना चाहिए। इसके बाद सामूहिक निर्णय, कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग, यह विचारधारा इस तथ्य पर जोर देती है कि संस्था के कर्मचारियों को निर्णय में भागीदार बनाया जाना चाहिए। उनके लिए निर्णय लेते समय संस्था के कर्मचारियों से भी एक बार आप सलाह ले लें कि ये आपके लिए हम कर रहे हैं, क्या ये ठीक है, उनसे उनके सुझाव लें, ठीक है, कि हम ये करना चाहते हैं तो आपको क्या लग रहा है कि ये ठीक रहेगा या नहीं रहेगा। अगर वो प्रत्यक्ष रूप से जुड़े होंगे निर्णय लेने से तो क्या है, वो आपके अभिप्रेरित रहेंगे, वो और अच्छा काम करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। इसके अलावा देखिए और क्या रहता है, मानव संसाधन विकास। इस विचारधारा के अनुसार कर्मचारियों में कार्य के प्रति लगन एवं उत्साह पैदा करने के लिए मानव संसाधन विकास की योजना बनाई जानी चाहिए। कर्मचारियों की छिपी हुई क्षमता को पहचानकर उन क्षमताओं के विकास हेतु उचित शिक्षण प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए एवं कर्मचारियों को प्रेरित किया जाना चाहिए। कार्य समृद्धि के द्वारा भी अधीनस्थों के विकास का मार्ग प्रशस्त किया जा सकता है। मतलब आप टाइमली उन्हें, अगर उनके अंदर कोई कमी है, उनके अंदर कुछ एक बहुत अच्छी बात है, तो उनको ट्रेनिंग दे करके, उनकी मदद करके भी आप उस चीज़ को सोल्व वहाँ करवा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इनफॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट, अनौपचारिक नियंत्रण, आप क्या है, औपचारिक नियंत्रण ना रख करके अनौपचारिक नियंत्रण रखें। देखिए क्या है इसमें, जेड विचारधारा में संस्था के कर्मचारियों के साथ अनौपचारिक संबंधों का निर्माण करके उन पर अनौपचारिक नियंत्रण के तरीकों से नियंत्रण करने का प्रयास किया जाता है। इस हेतु प्रबंधकों को अपने अधीनस्थों में विश्वास एवं सहयोग की भावना पर बल देना चाहिए। आप अनौपचारिक नियंत्रण सिर्फ तभी कर सकते हैं जब आप अपने कर्मचारियों पर विश्वास करते हैं, उनके साथ आप सहयोग करते हैं, ठीक है। तो देखिए इस
प्रकार उपरोक्त वर्णन से स्पष्ट है कि जेड विचारधारा अभिप्रेरण के एक नए दृष्टिकोण को प्रस्तुत करती है। इस विचारधारा का मूल तत्व पारस्परिक विश्वास, स्नेह एवं सहयोग है। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने जो है चार टेक्निक्स, चार थ्योरीज पढ़ी हैं। एक तो मास्लो की पढ़ी थी, एक हजरबर्ग की पढ़ी थी, एक एक्स और वाई थ्योरी पढ़ी है और एक विलियम आउची की जेड थ्योरी पढ़ी है। ठीक है, इसमें से विलियम आउची की जेड थ्योरी और मास्लो की थ्योरी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती है, क्योंकि आपसे हमेशा पेपर में उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारा चैप्टर यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, दैट्स वाई आई एम गोइंग टू वाइंड अप माई सेशन। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। और अगर आपको कोई दिक्कत आए तो आप पूछ सकते हैं मुझसे, ठीक है, आप ग्रुप में पूछ सकते हैं या आप वैसे भी पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।